ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और बाबा ने तो ये कहा है, याद रखें इस चीज को, अभी तो तुम केवल अपने विकर्मों को नष्ट करने में लगे हुए हो, आने वाले समय में तुम्हें अपने योग बल से औरों के विकर्मों को भी नष्ट करना होगा। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, तो सोचे कितना हमें योग बल की जरूरत होगी। और यदि अपने विकर्मों को नष्ट नहीं कर पाए तो क्या करना होगा, क्या होगा फिर? बाबा ने दो ही तरीके बताए हैं, या तो योग बल से अपने विकर्मों को नष्ट कर लो या फिर भोग बल से। हाँ, तो कौन कौन धर्म राज्य से मिलना चाहता है, जरा हाथ उठाएं। अच्छा है विद्या दीदी, 4-5 धर्म राज्य से मिलना चाहता है। आपको पता नहीं धर्मराज जी क्या करते हैं, उनकी खातिरदारी अलग किस्म की है। वो गरम गरम तेल में डाल के पकोड़ा बना देते हैं। यूं तो आपको पकोड़े अलग से मिलते हैं, वो खुद आपका पकोड़ा बना देंगे। हा? तो हमें धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। हा? तो यदि हमें अपने विकर्मों को दग्ध करना है, एक तो अब नए विकर्म हमसे ना हो, और दूसरा जो पास्ट के विकर्म है उन्हें हम योग युक्त होकर चुक्त करते चलें। जितना योग युक्त रहेंगे विकर्मों से मुक्त रहेंगे, योग युक्त रहेंगे तो स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे, अपनी कर्मेंद्रियों को जीतते जाएंगे। बाबा ने कहा है बिना योग बल के तुम कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन सकते, स्वराज्य अधिकारी नहीं बन सकते। और जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक विश्व राज्य अधिकारी भी तो नहीं बन सकेंगे ना। इसीलिए हमें अपने आप को कर्म योग की ओर अब लेकर चलना है, ताकि हम कर्मेंद्रियों की मालिक बन जाएं, इनके अधिकारी बन जाएं। मन मुझे ना चलाए, मैं मन को चलाऊं, कर्मेंद्रियां मुझे ना चलाएं, मैं कर्मेंद्रियों को चलाऊं, ऐसे राजा। ये योग के बल से ही संभव हो सकेगा, अभ्यास से ही संभव हो सकेगा।